बॉलीवुड के गलियारों से अक्सर किसी न किसी चीज को लेकर न्यूज अपडेट्स एंड गॉसिप्स सामने आती रहती है। कभी सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी अपकमिंग मूवीज के बारे में। वलाज दिन भर क्या है सबसे खास आपको मैं बताऊंगी आज के इस वीडियो में। फ्रॉम साउथ इंडस्ट्री टू बॉलीवुड, व्हाट्स ऑल आवर स्पेशल टुडे, लेट्स स्टार्ट। हेलो, यू वॉचिंग बज़ूका रिव्यूज़, और मैं हूँ आपके साथ अलमास सिद्दीकी। पहली हॉट न्यूज मिर्जापुर के फैंस के लिए। मिर्जापुर 3 का पहला सॉन्ग गंदी बीमारी हुआ रिलीज, सत्ता का खेल समझाते हुए दिखे राघा। मिर्जापुर 3 अब तक की मोस्ट अवेटेड सीरीज में से एक है, जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया था, जिसे देखने के बाद फैंस का जोश सातवें आसमान पर है। ट्रेलर में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरह से कुर्सी की लालच ने सबको अंधा कर दिया है, लेकिन अब मेकर्स ने फैंस को एक और तोहफा दिया है और इस फिल्म का पहला गाना रिलीज किया है, जिसे देखने के बाद फैंस अब इसका इंतजार कर रहे हैं। जुलाई में बॉक्स ऑफिस पर होगा धमाल, लगेगा एक्शन कॉमेडी रोमांस का तड़का। जुलाई का ये महीना आपके लिए धमाकेदार एंटरटेनमेंट लेकर आ रहा है और इस महीने एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होने वाली है। आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ अपकमिंग मूवीज की लिस्ट। किल एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, इसमें लक्ष्य, राघव जुयाल, तानिया मनिक तला नजर आने वाले है और इसे 5 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। अजय देवगन और तब्बू स्टारर फिल्म औरों में कहां दम था को भी 5 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। बड़े मियां और छोटी मियां के बाद अब अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म सरफिरा लेकर आ रहे हैं, जिसे 12 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। कल्कि में सुप्रीम यास्किन के बाद अब इंडियन 2 में धमाल मचाएंगे कमल हसन, इस फिल्म को भी 12 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। इसी के साथ साथ विकी कौशल, तृप्ति और एमी विर्क की अपकमिंग फिल्म बैड न्यूज को 19 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। इनसाइड आउट 2 का धमाल जारी, के 100 करोड़ डॉलर की कमाई। इनसाइड आउट 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस एनिमेटेड फिल्म को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इसे अच्छा खासा रिस्पांस भी मिल रहा है और अब इस फिल्म ने एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, जिसे देखने के बाद सब कोई हैरान हो गया है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ डॉलर की कमाई की है, जिसे देखने के बाद हर कोई चौंक गया है। वीकेंड पर कल्कि ने रचा इतिहास, 4 दिनों में 300 करोड़ की कमाई। जी हाँ, कल की 2898 AD को लेकर तगड़ा बस बना हुआ है। इसे रिलीज हुए तो 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी इस फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है और ये रिकॉर्ड तेजी से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। आपको बता दूं कि इसे 27 जून को रिलीज किया गया था, जिसके बाद से ही इस फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की है और डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 300 करोड़ का रिकॉर्ड बनाया है। वहीं वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 415 करोड़ का रिकॉर्ड बना लिया है इस फिल्म ने। विदा मुयार्ची से अजीत कुमार का पहला लुक आया सामने, देखकर फैंस हुए एक्साइटेड। तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की अपकमिंग फिल्म विदा मुयार्ची का अनाउंसमेंट जब से हुआ है, तब से फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं और फिल्म से जुड़ा कोई ना कोई अपडेट भी लगातार सामने आता रहता है और अब मेकर्स ने फैंस का एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। वह फिल्म का पहला पोस्टर शेयर करते हुए अजीत का पहला लुक भी शेयर किया है, जिसमें वो काफी ज्यादा स्टाइलिश दिखाई दे रहे हैं, जिसे देखने के बाद फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए हैं। वेल, इस फिल्म की रिलीजिंग डेट का तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसे दिवाली तक रिलीज कर दिया जाएगा। गोपी चंद की अपकमिंग फिल्म में दिखेगा सनी देओल का सुपर हिट अंदाज, एक्शन करते हुए दिखाई देंगे सनी। डायरेक्टर गोपी चंद की अपकमिंग फिल्म SDGM का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जब से ही फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है, तब से ही फैंस इसका हर अपडेट जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। आपको बता दें कि बॉलीवुड के जाने माने एक्टर सनी देओल इस फिल्म में एक्शन भरे अंदाज में हमें नजर आने वाले हैं, जिस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी गई है। गदर 2 के बाद अब इस फिल्म में सनी देओल एक्शन करने के लिए तैयार हैं। तो ये थी दिन भर की तमाम छोटी मोटी खबरें। वेल, आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।